हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। एज इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, म्यूटेशन, इन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन एंड आर्टिफिशियल म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन, व्हाट आर म्यूटाजेंस। Did you have discussed? And who is the father of mutation? Hugo de Vries. ठीक, Hugo de Vries. Today we are going to start genetic disorders. In that, first one that is pedigree analysis. पहले आप जानिए pedigree analysis होता क्या है। Actually pedigree analysis का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल के कंसर्न मान लीजिए, ठीक, किसी एक को ले लीजिए, ठीक है, उनके, ठीक है, एंसेस्टर के बारे में, मीन्स पूरा डिटेल कहाँ से, ठीक है, उनकी ओरिजिन हुई, कैसे कैसे जो है वो, ठीक, इस समय प्रेजेंट है, मीन्स एक तरह से वंशावली जिसे बोला जाता है, ठीक, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, किसी एक इंडिविजुअल के पूरे खानदान के बारे में डिटेल पता लगा, ठीक। अब ये क्यों किया जाता है, जैसा कि पहले ही हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जनरली जो है डिजीज के कंसर्न में मान लीजिए कोई डिजीज है, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि जेनेटिक डिजीज कहे जाते हैं, मीन्स दे आर रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, ठीक, जिससे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसीलिए जो है पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, कि मतलब कौन सा इंडिविजुअल किस जनरेशन में कहां से वो डिजीज एंटर किया और कहां से अभी तक प्रेजेंट, ठीक। तो इसमें एक जो क्लासिकल एग्जाम्पल जो लिया गया है क्वीन विक्टोरिया, जो कि जो है ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, तो उनके जो है, ठीक है, खानदान में या उनके डिनेस्टी में, ठीक, हीमोफीलिया नामक एक डिजीज, हीमोफीलिया मीन्स ऐसा डिजीज जिनमें जनरली जो है ब्लड की जो एक टाइमिंग होती है क्लाट करने की 2 to 5 मिनट जो है, जनरली आप देखते होंगे कहीं भी एक्सीडेंटली चोट लग जाता है, खट पट जाता है, ठीक है, बॉडी में कहीं, तो ब्लड जो है 2 to 5 मिनट के अंदर क्लाट कर जाता है, ठीक, वहां पे जो है नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, फाइब्रिक, ठीक, फाइबर लाइक नेटवर्क बन जाता है जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिक लोग होते हैं, हीमोफीलिया डिजीज जिनको होती है, उनका जो है ब्लड फ्लो रुकता नहीं है जनरली, ठीक, या तो बहुत मुश्किल से रुकता है, या फिर उसके लिए कुछ अलग तरीके से जो है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है, ठीक, जिससे कि ब्लड फ्लो रुके। यदि ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा तो क्या होगा, अब जैसे कि जानते ही हैं कि सारे का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में जो है ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक, तो ब्लड की कमी होने लगेगी तो कोई भी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है रिजल्ट होगा डेथ, इसलिए जो है क्लाट होना जरूरी है। तो हीमोफीलिया डिजीज के जो है रानी विक्टोरिया जो है क्वीन विक्टोरिया के, ठीक, डिनेस्टी में थी, उसी का पता लगाने के लिए लोग जो है उनके पूरे, ठीक, डिनेस्टी का, पूरे खानदान का, पूरे जो है वंशावली की स्टडी करके पता लगाया कहाँ कहाँ जो है, ठीक, ये कहाँ से डिजीज एंटर किया और कहाँ पे जो है ये अभी तक प्रेजेंट है। तो जनरली जो ये जेनेटिक डिजीज होते हैं इनमें फीमेल जो है कैरियर का काम करती है, कैरियर मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का, और जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो मेल में दिखते हैं, ठीक, क्लियर हो गया, चलिए अब तो थोड़ा सा जान गया। तो उसी के लिए, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंट करने के सिंबल वगैरह भी दिए रखे हैं बुक में, तो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन बीइंग्स,
our human society since long. This was based on the heritability of the certain characteristic features in the family. After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait in human beings begin. Since it is evident that the control process can be performed in pea plant and some other organism. Means ये तो मेंडल जो है बता दिए कि कंट्रोल क्रॉस करवाया जा सकता था ठीक कुछ ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग में जो है हम कंट्रोल क्रॉस, ठीक है, मतलब जो है जो भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल प्रोसेस में नहीं कर सकते हैं, जो कि इलीगल माना जाता है. स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव. सच एनालिसिस ऑफ ट्रेड इन ए सेवरल ऑफ द जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस. मीन्स कोई इंडिविजुअल किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है उस फैमिली के बारे में डिटेल जो पता लगा रहे हैं, ठीक, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस. इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री. द फैमिली ट्री बनाई जाती है, ठीक, और उसमें जो है जो भी मेंबर होते हैं उनको जो है आगे दिखाया जाता है फिर कहाँ से ओरिजिन हुई, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait. Means किसी particular, जैसा कि बताया है, abnormality or disease. Some of the important standard symbols. अब देखिए जो भी इसमें symbol है वो standard है. Means यदि वो symbol कहीं आपको book में दिखता है इसका मतलब वही होगा, ठीक, biology के concern में. Used in pedigree analysis have been, as you have studied in the chapter, take each and every feature in any organism is controlled by one or other gene. Means body में जितने भी feature होते हैं हर एक feature या character को control करता है एक gene, ठीक. और DNA segment, DNA is a carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to another generation. Or any trait here, as it change or alteration. However, changes in alteration do not take place occasionally. Means जो भी आपका change होता है वो जो है ठीक occasionally होता है. Clear? Such an alteration or alteration का means change, ठीक, जो भी आपके genetic या chromosome में genes है उनमें चाहे जो है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जैसा कि एडिशन या डिलीशन हम लोग म्यूटेशन में पढ़े थे, कोई जीन ऐड हो रही हो या उसमें से एक जीन डिलीट हो रहा हो, दैट इज अल्टरेशन. मीन चेंज इन जेनेटिक सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस. सच एन अल्टरेशन आर चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन. जैसा कि हम बताए थे म्यूटेशन में क्या होता है, एडिशन आर डिलीशन इन द जीन आर बेस पेयर आर बेसिस आर डीएनए सेगमेंट. ए नंबर ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंजेस आर अल्टर्ड जीन्स आर इन द क्रोमोसोम. अब देखिए चेंजेज होने से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, पहले थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, सिंबल
देखिए सिंबल बनाया गया है, ठीक, अलग अलग सिंबल किए गए हैं। पेडिग्री एनालिसिस के लिए मान लीजिए सिंबल दिया गया है कि स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर मेल के लिए स्क्वायर बनाया गया है, ठीक, सर्किल बनाया गया है, ठीक। फिर ये देखिए, ठीक, ये मेल के लिए है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है आपका क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीन्स इसके लिए जो है सेक्स क्लियर नहीं है। इसी में जो है यदि कलर्ड में, ठीक, एक्सपेरिमेंट के दौरान कलर्ड में दिखाया जा रहा है, या मान लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कलर्ड वे में दिखाया जाएगा इसी को, कलर्ड का मतलब कोई भी मान लीजिए जो है किसी को हम शैडो कर दें ऐसे, ठीक, ऐसे कर दें, या ऐसे है इसी को हम ऐसे कर दें, ठीक, या ये है इसको भी ऐसे कर दिया जाए, इसका मतलब जो है ये अफेक्टेड जो है, मीन्स जो डिजीज है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज, उससे ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक, और ये सब जो है नॉर्मल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मान लीजिए कोई ट्री दे रखा है, दो तीन दे रखे हैं, तो इस तरह दिखाया जाता है, तो आराम से आप पता कर सकते हैं, इतना जानना चाहिए। अब इसी में जो है क्रॉस करके जो है पता लगाया जाता है कि कैसे जो है, ठीक, कौन सी डिजीज होती है। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा जान लीजिए, फिर कल डिटेल में लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हीमोफीलिया, ठीक है, दो तीन जो है आपके कुछ है जो कि डिटेल में आपको पढ़ने हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, ये कुछ डिजीज हैं जो कि थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ने हैं। हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, ये कुछ डिजीज है जो कि आपको डिटेल में पढ़ने हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में जो है ब्लड क्लाटिंग का समय, ठीक, वो ज्यादा हो जाता है या क्लाट नहीं करता है, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में जो है रेड एंड ग्रीन कलर में जो है डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं रह जाती। यदि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा है जो कि कलर ब्लाइंड है, ठीक, तो क्या होगा, वो जो है उसके अंदर रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। ये कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा जानिए, कल हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।